Hello friends, welcome back once again to Kalyan Academy, Kolkata. Today our topic is simple and compound interest. Simple and compound interest एक ऐसा topic है जहाँ से हर साल questions आता ही है, चाहे वो bank का exam हो या SSC का exam हो, कोई भी exam हो उसमें आता है. Specially जो candidates bank के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये topic बहुत ही important है. तो इसको ध्यान से करिए, अच्छे से करिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स है, लेकिन वो जो शॉर्टकट ट्रिक्स होता है वो शॉर्टकट ट्रिक्स बनता है जो बेसिक्स होता है बेसिक्स से. तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक्स है, बेसिक्स को अच्छे से समझिए. तो शुरू करते हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला. हम सबको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ये है. अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ये, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, लेकिन इसका कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है. इसीलिए कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स या फार्मूला है जो हम आप लोगों को अभी बताएंगे, और उसके बाद देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में वो सब ट्रिक्स के यूज करते हुए कौन सा क्वेश्चंस आया था. आइए पहले देखते हैं. पहला जो सम्स आता है ये ज़्यादातर बैंक या SSC में बहुत आता है कि डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है डिफरेंस इक्वल टू, ये पावर एन नहीं है, डिफरेंस को शॉर्ट में लिख रहे हैं इसीलिए डी ऊपर एन दे दिए हैं. डिफरेंस इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर बाय 100 इंटू 100, ये होता है फॉर्मूला. बट ये जो फॉर्मूला है ये डिफरेंस ओनली एप्लीकेबल फॉर टू ईयर्स. अगर दो साल के अलावा कुछ बोलेगा, तीन साल या एक साल या चार साल, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा. अगर दो साल का डिफरेंस निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा. अब एक सम्स आया था, वो सम्स आप लोग को देते हैं. डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर टू ईयर्स इज 25. फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. यह आया था ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है. इस फॉर्मूला में बिठा दीजिए तो डिफरेंस क्या है 25. सो 25 इक्वल टू पी क्या है, कैपिटल जो है 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको निकालना है नीचे 100 इंटू 100. एक दो तीन चार, सो आर स्क्वायर इक्वल टू 25, आर इक्वल टू 5. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5% पर एनम. ये गया एक ट्रिक्स. अब आते हैं दूसरे ट्रिक्स में. दूसरी ट्रिक्स जो है वो क्या है, दूसरी ट्रिक्स ये आता है, ये ज्यादातर बैंक में आता है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years. अभी अगर 3 साल दे देगा तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. वो फॉर्मूला कैसा होगा, तो फॉर्मूला होगा ऐसा है, प्रिंसिपल इक्वल टू डिफरेंस इनटू 100³ बाय आर स्क्वायर R plus 300. ये होगा फॉर्मूला. अब ये जो फॉर्मूला का जो सम्स आता है 3 years का, ये ज्यादातर बैंकिंग में आता है, SSC या रेल में उतना डिफिकल्ट नहीं आता है, ये सिर्फ 2 years का आता है. तो ये फॉर्मूला याद रखते जाइए और उसको पुट करिए तो आंसर आ जाएगा. अब लास्ट ईयर IBPS में क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन है ऑन व्हाट सम डज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years एट 10% इज 31. सो डिफरेंस दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको निकालना है. तो 31 दिया है, 31 पुट कर देते हैं इंटू 100³, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. सो 10 × 10 यहाँ पे 310. सो 31 100 100
तो बहुत इजी हो गया ये ट्रिक्स। और अगर ये ट्रिक्स नहीं पता होता तो आप अगर नॉर्मल जो मेथड्स है उस मेथड में फॉर्मूला पुट करके करते तो ये बहुत ही लेंथी हो जाता। तो ये बहुत इजी एक ट्रिक्स आप लोगों को बता दिए जहाँ से क्वेश्चन आता है बैंक में या एसएससी और लेवल में। तो दो ट्रिक्स हो गया, अब आते हैं थर्ड ट्रिक्स में। थर्ड जो ट्रिक्स है ये ट्रिक्स होता है क्या कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा दे देते हैं कि कुछ मानी डबल हो गया इतना साल में, तो 6 times या 5 times या 8 times कितना दिन में होगा। तो उसका जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है n-1 into year। n मतलब कितना टाइम्स हो रहा है आपका मानी, 5 times 6 times जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका वैल्यू, इनटू जो ईयर क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब एक सम्स आया था प्रीवियस ईयर, वो सम्स को देखते हैं। Some money gets double in 6 years in simple interest. In how many years will get 5 times? तो क्वेश्चन में बोला है कि 6 साल में सिंपल इंटरेस्ट में एक पैसा डबल हो जाता है, तो कितना दिन में विल गेट 5 times, कितना दिन में वो 5 times हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला जैसे मैंने बताया ये, तो 5 times होगा तो n की जगह बैठ जाएगा 5-1 into year, year कितना है 6 years, सो 6, सो 4 into 6 दैट मीन्स 24 years। इसका मतलब है कि 24 years में वो जो वैल्यू है वो मानी का वैल्यू 5 times हो जाएगा। I hope it's clear to everybody. Now move on to the next tricks. Now the fourth tricks. Fourth tricks पे क्या होता है कि बोल देते हैं कि rate of interest कितना होगा, तो sum of money double हो जाएगा इतना साल में, तो वहाँ पे rate of interest निकालना देते हैं और साल दिया रहता है, ये double हो जाता है। तो जो डबल होने वाला फॉर्मूला होता है जिसमें सम्स डबल हो जाते हैं, वो फॉर्मूला ये होता है। ये होता है फॉर्मूला। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन मतलब कितना टाइम हो रहा है, और टी मतलब ईयर या साल। और इसका जो एक सम्स आया था कुछ दिन पहले एक एग्जाम्स में, वो है एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, at what rate of interest will a sum double itself in 8 years? कितना rate of interest में a sum double हो जाएगा 8 साल में? तो इस formula में put करते हैं, r equal to n मतलब कितना times हुआ है, यहाँ पे डबल बोला इसका मतलब है 2 times, सो 2-1। टी मतलब कितना टाइम, टाइम यहाँ पे दिया है 8 years, सो 8 into 100, सो ये हो जाएगा 1/8 into 100, दैट मीन्स 12.50%, सो दिस विल बी योर आंसर। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से जो सम्स आते हैं वो ज़्यादातर इस तरीके के सम्स आते हैं, ये शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करने से हो जाता है। लेकिन कुछ सम्स ऐसे भी रहता है जो सिर्फ शॉर्टकट ट्रिक्स से बनेगा नहीं, उसके लिए आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि आपको बेसिक्स क्लियर करिए, अब बेसिक्स के हिसाब से ये जो शॉर्टकट ट्रिक्स ये बनाया गया है। लेकिन प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके हम लोगों टीम को लगा कि ये जो शॉर्टकट ट्रिक्स है ये आप लोगों को बता देना चाहिए, इसीलिए हम लोग बता दिए। यहाँ पे लगभग इतना ही शॉर्टकट ट्रिक्स आते हैं, और भी अगर कुछ आता होगा तो वो आप बना सकते हैं जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहले कोशिश करिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। सो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम लोगों को कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से टॉपिक के ऊपर हम लोग को वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच।